जी नाजरीन, अहम खबर का तवा के आगाह कंदा हलूं तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग खाते आई डिस्ट्रिक्ट रोड खाते जी गुझी करप्शन सामू आई है। नाजरीन तवा के अहम खबर का आगाह पिया कयूं त सरकारी इमारतन जे मरम्मत नवन कमन आई रिवाइज कमन जा टेंडर्स जारी कया व्या आहिन। टेंडर्स बाबत कें भी वेबसाइट या कें भी आगाही प्रोग्राम बाबत इतला न डिनी वही है। इन हवाले से गुझे तरीके से मनपसंद माण्हुनि खे टेंडर्स जे कें से जारी कया व्या आहिन। जरियन वटा असांखे जान मिली आहे त टेंडरन जी मिल्कियत 86 करोड़ रुपया लगभग बुधाई थी वञे। गुजन जरियन मूजिब वॾे पैमाने ते करप्शन साम्हूं आई आहे। डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग ऐं डिस्ट्रिक्ट रोड खाते जे कुझु ऑफिसरनि जी मुलवस थियण जो पिणु इंकशाफ़ थियो आहे। इन सिलसिले में जेके ठेकेदार ॼाणायल इदारनि में कमु करे रहिया आहिनि तिन में मायूसी पकड़ियल आहे। राति जे पेट में ई टेंडर्स जारी कया विया आहिनि ऐं मनपसंदि ठेकेदारनि खे रिश्वत एवज़ ठेका ॾिना विया आहिनि। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम करण लाइ हैदराबाद में असां राब्तो कयो आहे पंहिंजे नुमाइंदे शहरयार शौकत सां। जी शहरयार शौकत, क्या मामला है और इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? राजा, ये जो इदारा है दरअसल उसूली तौर पर तो इनको अपने जो टेंडर के इश्तेहारात हैं वो जो कौमी सतह के अखबारात हैं उनमें देने चाहिए या अपनी वेबसाइट पर देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और डायरेक्टली 86 करोड़ का टेंडर जो है वो दे दिया गया है। इस हवाले से जराए का कहना यह है कि इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को ये 86 करोड़ के टेंडर दे दिए हैं। अब इस वजह से जो वहां के पुराने ठेकेदार हैं जो इन कामों को कर रहे थे उनमें भी एक मायूसी पाई जाती है और उन लोगों का भी ये कहना है कि ये बिल्कुल एक ऐसा अमल है कि जिसके ऊपर हम एहतजाज का हक रखते हैं और हम एहतजाज करेंगे भी, क्योंकि बाकायदा तौर पर कौमी सतह के किसी अखबार के अंदर ये इश्तेहार नहीं दिया गया, ना ही इसको किसी अपनी वेबसाइट पर दिया है, बल्कि अंदरूने खाना जराए ये कहते हैं कि इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को ये 86 करोड़ के टेंडर जो है इमारतों और रोडों की मरम्मत के दे दिए हैं। जी जी शेरयार, हमें ये भी बताइएगा कि एक CN थे सबका मोहम्मद अली सुमरो, उनके उनके बरक्स उनके फैसले के खिलाफ ये फैसला हुआ है और उनको जो है फौरी तौर पे हटाया भी गया ओहदे से, उस हवाले से बताइएगा कि आपका राबता हुआ है इस हवाले से एक CN मोहम्मद अली सुमरो से और उनका मौकफ क्या है इस बारे में? असल में ये बिल्कुल उनके फैसले के खिलाफ हुई है ये बात और ऐसा लगता है कि शायद उनको हटाने की वजह भी यही बन रही है और उनको ओहदे से हटा दिया गया है, उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट हो गई है, नया बंदा आ गया है और ये उनके बिल्कुल फैसले के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया शहरयार शौकत। नाज़रीन तव्हां खे वर्ल्ड न्यूज़ सिंधी ते अहम खबर का आगाह कयोसीं। वधीक खबरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो वर्ल्ड न्यूज़ सिंधी।